आज की रेसिपी है अरबी की सूखी सब्जी। सबसे पहले अरबी को मैं बॉईल कर रही हूँ। अरबी बॉईल हो गया है, ठंडा भी हो गया, इसे मैं छील लेती हूँ। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। एक सीटी लगाकर कुकर में आप बॉईल कर सकते हैं। सारा अरबी को छील लिए अच्छी तरह से। अब इसको काट लेते हैं। इस तरह कच्चू को गोल गोल काट लीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा ही काटिएगा। और ज़्यादा कच्चू को मत गलाइएगा, इसी तरह थोड़ा कड़ा रहना चाहिए। देखो सारा कच्चू को काट दिए। इसको अरबी बोला जाता है, कच्चू भी बोला जाता है। पैन गरम हो गया, इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिए। तेल गरम हो गया, हाफ चम्मच राई, हाफ चम्मच जीरा और हाफ चम्मच अजवाइन इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद इसमें हींग भी डाल देंगे। सबको इस तरह चला लेते हैं ताकि ये सब चलक जाए अच्छी तरह से। यहाँ एक हरी मिर्च छोटी छोटी मैं काट ली हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी काट लिया, इसे भी इसमें डाल दे रही हूँ। ये भी थोड़ा भून जाएगा तब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच ये आमचूर पाउडर है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट पर इसको भून लें। भूनने के बाद अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये अरबी को डाल दूँगी। इसे करके सारे अरबी को इसमें डालकर सारे मसाले के साथ इसमें मिक्स करना है ताकि मसाला इसमें अंदर घुस जाए। और इसमें मैं अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। इसको भी इस तरह मिला लेती हूँ। 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाना है। आप इसको ढक ढक कर इसी तरह पकाना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये मैगी मसाला है डाल देंगे। ये मैगी मसाला डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अगर आपके बच्चे अरबी नहीं खाते हैं, आप इस तरह बना के उनको खिलाओगे बहुत मज़े से खाएंगे। अब इसे मैं ढक कर और थोड़ा 2-3 मिनट पका लेती हूँ। देखिए 2-3 मिनट हो गया है, लाल लाल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा धनिया के पत्ते इसमें डाल देंगे। डालकर मिक्स करकर 2 मिनट के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अरबी की सूखी सब्जी तैयार हो गई है। देखिए अरबी की सब्जी तैयार हो गई है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितने मज़े के अरबी की सूखी सब्जी तैयार हो गई है। अगर अरबी की सब्जी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।